स्टूडेंट्स, साइलस मालर के बाद आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द इनविजिबल मैन, जो दूसरा नॉवेल है। इसको लिखा है एचजी वेल्स ने, जिनका जन्म 1866 में हुआ था और जिनकी डेथ हुई थी 1946 में। ये एक ऐसे नॉवेलिस्ट हैं जिनको साइंस फिक्शन लिखने का फादर के नाम से जाना जाता है। ही इज नोन टू बी द फादर ऑफ साइंस फिक्शन, यानी इन्होंने ही साइंस फिक्शन के जॉनर की शुरुआत की थी। जिन्होंने टाइम मशीन भी लिखा था, जिस पर मूवी भी बनी है, इनविजिबल मैन पर भी मूवी बनी है। ये जो आपके कोर्स में पढ़ना है, ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और उनका मुख्य उद्देश्य था इस नॉवेल को लिखने में कि अगर कोई चीज साइंस की मिरेकल है, तो पॉजिटिव के साथ साथ उसके नेगेटिव अप्रोच भी हो सकते हैं अगर मॉरलिटी खत्म हो जाए तो। मतलब इंसान के जीवन में साइंस का विकास होना ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसमें मॉरलिटी, इंसानियत, मनुष्यता, इन सब चीजों का ध्यान रख के और जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके रास्ते पे चल के ही साइंस हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक व्यंग भी है, एक सटायर है इस समाज पे, कि साइंस को कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से अगर हम बहुत ज्यादा स्वार्थी होकर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए खतरनाक होगा, हो चुका है। बहरहाल इनविजिबल मैन जो स्टोरी है वो एक साइंस फिक्शन है, जिसका मुख्य पात्र है ग्रिफिन। तो ग्रिफिन एक मेडिकल एस्पिरेंट रहते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और वो अपने फादर के लैब में बैठ के पढ़ाई करते रहता है। धीरे 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 उसकी रुचि जो है वो मेडिसिन से फिजिक्स पर फोकस हो जाता है। फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन वो लैब में, अपने डैड का जो लैब रहता है उसमें, एक केमिकल गिरता है और उसके उथल पुथल होने से टिश्यू पे फर्क पड़ता है। वो नोटिस करता है कि ये जो भी टिश्यूज होते हैं उसको वो अदृश्य कर दे रहा है, वो केमिकल जो था। ये बड़ा इंटरेस्टेड हुआ ग्रिफिन कि अगर इसको फॉर्मूला अगर नोट कर लिया जाए तो गायब हो जाएगा। और जैसे ही कुछ इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं इंसान की, तो सबसे पहले वो नेगेटिव हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। वो सोचता है कि अगर ऐसा हो जाए कि आदमी गायब हो जाए, दिखे नहीं, तो बहुत कुछ कर सकता है, बैंक लूट सकता है। जनरली नेगेटिव चीजें आती हैं दिमाग में कि जिसमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़े, काम नहीं करना पड़े और आदमी ऐश की जिंदगी जिए। तो इसके मन में भी यही बात आती है। यह फॉर्मूला किसी तरह से सेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है ग्रिफिन। तो सबसे पहला जो ये काम करता है वो अपने डैड के पैसा ही चुरा लेता है, पूरा पैसा। डैड इससे काफी दुखी होते हैं, बाद में वो सुइसाइड भी कमिट कर लेते हैं। अब ये बात पता नहीं चल पाती है कि वो सुइसाइड का कारण क्या है, ये पैसा ही है या फिर क्या, लेकिन ये सुसाइड कर लेते हैं। ये व्यक्ति क्या करता है कि पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है, नोट भी बनाना शुरू कर देता है, जो कैसे आदमी इनविजिबल होगा तो फिर क्या क्या और आगे उसका रिसर्च हो सकता है, एक डायरी बनाना शुरू करता है। और उस दिन से ये मन में ठान लेता है कि अब उसे, यानी ग्रिफिन को, काम धंधा नहीं करना है इनविजिबल मैन बन के, और बस चोरी करना है, लूटना है, और इस तरह से अपनी सर्वाइवल के एक नया जरिया ढूंढ लेता है। गांव में लोग परेशान रहने लगते हैं, चोरियां होने लगती हैं, तो पुलिस इसके पीछे पड़ती है। जाफर नाम का जो विलेज का जो कांस्टेबल है उसके पीछे पड़ता है, लेकिन किसी को पूरी तरह से वाकया पता नहीं रहता है कि ये सब फोन कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। तो ये व्यक्ति भागते भागते एक स्नो हिल एरिया में पहुंचता है, जहां पर एक
इन है जिसको हम होटल के नाम से भी जानते हैं, और वहां पर कोच एंड हॉर्स का मालिक है जिसको चलाने वाले हैं जॉर्ज एंड जेन, दोनों के टाइटल में हॉल लगा हुआ है, तो मिसेज हॉल और मिस्टर हॉल इस तरह से हम जानते हैं। तो इपिंग में काफी मौसम खराब है और बर्फ पर ये ठंडा है बहुत, तो यहाँ पहुंचता है और उस समय अक्सर वो टूरिस्ट के लिए बहुत ऑफ सीजन होता है, बहुत टूरिस्ट नहीं जा पाते हैं, तो मंदी जैसे चलती है, होटल में कोई आता नहीं है, जो आया तो वो लोग बहुत शुभ मानते हैं कि चलो कोई कस्टमर आया, कोई ग्राहक ठहरने आया, तो उसी तरह से वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो वहां जाता है इपिंग होटल में। तो जेनी जो है वो थोड़ी लालची किस्म की महिला है, जो जॉर्ज की वाइफ है, जेनी हॉल जिसको कहते हैं, मिसेज हॉल, तो वो बहुत खुश होती कि इस ऑफ सीजन में एक कस्टमर आया होटल में ठहरने के लिए, तो वो खुद ही सब काम करना शुरू कर देते हैं बिना बहुत कुछ आइडेंटिटी के बारे में पूछे ही, वो मेहमान को एक्सेप्ट कर लेती है कि आइए। अब ग्रिफिन क्या किए रहता है कि अपने फेस पे बैंडेज वगैरह लगाए हुए रहता है और एक नकली नाक जो दिखाई देता है, बाकी चेहरा तो दिखाई नहीं देता है, वो गैप सा रहता है, तो उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता है, शाम में जाता है तो रिपोर्ट करता है, तो वो बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देती है, वो पैसे की लालची है और उसे कोई मतलब नहीं है, वो सोचती है कि जब तक ये पैसा दे रहा है तो कोई मतलब नहीं, रहे जब तक रहे मन हो रहा है। तो थोड़ी आश्चर्य होती है जब भी जाती रूम में तो चेहरा नहीं दिख पाता, थोड़ी इंटरेस्ट भी जताती है कि पता नहीं कैसा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख पाता है और वो बैंडेज वाला दिखता है कुछ, तो सोचती है कि शायद हो सकता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई होगी या फिर कोई ऑपरेशन से गुजरा होगा इसलिए ऐसा दिखता है, तो बहुत ध्यान नहीं देती है और इस तरह से रहने लगता है, अपने ही सब कुछ काम करती है, खाना बना के देती है, कपड़े सुखाती है, बहुत ज्यादा वो बात नहीं करता ग्रिफिन। तो उसके पास एक व्यक्ति रहता है जिसको हम फेयरन साइड के नाम से जानते हैं, वो लगेज वगैरह ढोता है स्टेशन से स्टेशन से स्टेशन, वो भी एक व्यक्ति रहता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति इसमें रहता है जो उसके कुछ क्लू देता है, जिसका नाम है टेडी हेनफ्रेड, वो क्लॉक रिपेयरमैन रहता है, तो होटल में जाता है चाय वगैरह पीने के लिए और वो क्लॉक रिपेयर करता है। तो इनको जब शक होता है मिसेज हॉल को कि आदमी का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या करता है कि उसको भेज दिया जाता है कि जाके देखो शायद तुम कुछ पता लगा पाओ। जब वो क्लॉक रिपेयर करने उस रूम में जाता है जिसमें ग्रिफिन ठहरा हुआ है, तो उसे कुछ शक होता है, वो सस्पिशियस कैरेक्टर दिखता है, बहुत कुछ उसको भी पता नहीं चल पाता है, लेकिन वो बाहर आके बताता है कि हाँ उसका चेहरा पता नहीं चलता है और उसकी नाक शायद नकली है, तो एक अपनी मनगढ़ंत कहानियां बता देता है कि वो कुछ ऐसा आदमी है, और उस पर उसके शक के दायरे में सभी लोग कहते हैं कि शायद ये जो चोरियां हो रही हैं वो वही कर रहा है। तो मिस्टर एंड मिसेज जो बंटिंग है उनके घर में ये जाता है और ये लोग बात कर रहे होते हैं इस तरह की बात, उसी के सामने से उनके पैसे का बैग जो है वो गायब होने लगता है, जो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हाथ नहीं आ पाता। तो ऐसी कई चोरियां होने लगती हैं, परेशान लोग हो जाते हैं कि कौन है, और उसमें जो कस नाम का एक व्यक्ति है जो ग्रिफिन को इंटरव्यू करना चाहता है, उसका इंटरव्यू लेना चाहता है, हालांकि सक्सेस नहीं हो पाता है, ये काफी जिज्ञासा भरी सबके लिए रोचक बात होती है कि ऐसा क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं कि उसका जो पहला एसोसिएट रहता है जिसका नाम है मिस्टर मार्गन, जिसको अपने क्राइम में अपने अपराध में उसको पार्टनर बनाता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसको डराता धमकाता है तो ये मजबूर होकर बन जाता है पार्टनर, लेकिन वो फेथफुल नहीं रहता, धोखा देता है ग्रिफिन को और वो पकड़वा देता है, वो जेल चला जाता है, लेकिन चूंकि वो इनविजिबल है तो फायदा उठा के जेल तोड़ के भी भाग जाता है, जेल से बाहर आ जाता है और फिर मार्बल की बहुत पिटाई करता है। डॉक्टर केम्प नाम का एक व्यक्ति रहता है जो उसके कॉलेज डे से ही उसका एसोसिएट रहता है। तो अब यहां से क्या होता है कि सबके लिए ये काफी खतरा और जिज्ञासा भरी बात हो जाती है, बाकी पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती है, जयफर नाम का जो विलेज कांस्टेबल है वो
पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये पकड़ में नहीं आता है। तो जो पहले हम चर्चा किए कि फेरन साइड नाम का जो व्यक्ति है जो इस स्टेशन से उस स्टेशन तक लगेज को ट्रांसपोर्ट करता है, वो एक दिन डार्कनेस में देखता है कि उसका पिंक फ्लैश दिखाई पड़ता है। फिर वो अनुमान नहीं लगा पाता तो ऐसा सोचता है कि शायद वो ब्लैक मैन है या फिर बाल्ड है क्या है, वो भी सब लोग ऐसे ही। और फिर काफी पूरे जगह में डर व्याप्त हो जाता है, सभी लोग डर जाते हैं। अगर कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उसे पीट देता है क्योंकि वो तो दिखाई नहीं दे रहा, उसके लोकेशन का कुछ पता नहीं चलता। तो फिर अब लेकिन पकड़ा जाना बहुत जरूरी था, अंत में फिर से वो पकड़ा जाता है मार्वल के थ्रू ही, और फिर से वो भागने लगता है, चारों तरफ से घिर जाता है, फिर से भागने लगता है और फिर से गोली उसे लग जाती है और वो मारा जाता है, ग्रिफिन मारा जाता है। अब उसके लिए एक कितनी बड़ी समस्या बन गई रहती है जो इनविजिबल होने की शक्ति है, पावर है, तो इसका परिणाम क्या होता है, वो मारा जाता है। उसके मारे जाने के उपरांत उसके रूम से उसका नोटबुक मिल जाता है मिस्टर मार्वल को, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, उसका सारा फॉर्मूला है लैब का। अब वो सोचता है कि शायद इसका एडवांटेज फायदा वो ले, लेकिन इत्तेफाक से वो सब चीज तितर बितर है, अस्त व्यस्त है। हेड और टेल क्या है, कैसे उसको ऐड करना है, किस तरह से फिट करना है, उसे ये बात पता नहीं रहती है। तो यही ये वाक्य खत्म हो जाती है और इस तरह से इस कहानी का बड़ा एक पेनफुल एंड होता है, दर्दनाक फिनिशिंग होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो स्टोरी है द इनविजिबल मैन, वो कैसे एक साइंस पर व्यंग है, और एचजी वेल्स ये बताना चाहते हैं कि अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो इसके नेगेटिव अप्रोचेज होंगे और इसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा, खतरनाक होगा। तो एक तरह की वार्निंग भी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये काफी रोचक स्टोरी है। और आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे दो नोवेल के बाद, जिसमें हमने एक चैप्टर की पढ़ाई मैंने बता दी है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।